कृष्णानगर सुपेला के रहवासी ने लगाई दुर्ग एसपी से गुहार। कबाड़ी के आतंक व स्थानीय थाना का कबाड़ी को संरक्षण देने का लगाया आरोप। भिलाई सुपेला के कृष्णानगर शास्त्री चौक वार्ड 8 में संचालित कबाड़ दुकान से परेशान शशि भूषण प्रजापति ने धीरज कबाड़ी के आतंक व उसके द्वारा हो रही परेशानी और स्थानीय सुपेला थाना के द्वारा कबाड़ी को मिल रहे संरक्षण के खिलाफ दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के द्वार पहुंच गुहार लगाई। गुहार वहीं इस मामले में मीडिया से चर्चा करते हुए शशि भूषण ने बताया कि धीरज कबाड़ी की दादागिरी और पूरे सड़क भर कबाड़ फैलाकर अपना दुकान संचालन कर रहा है। इसके चलते वहां लगातार असुविधा होने पर आवाज उठाने वालों पर मारपीट का खतरा बना रहता है। साथ ही यह भी बताया कि स्थानीय सुपेला थाना द्वारा भी शिकायत लेकर जाने पर उल्टा फरियादी को ही लताड़ दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में दुर्ग एसपी के पास न्याय की गुहार लगाने ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष पीड़ितों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वार्ड 8 है, वहाँ कबाड़ी का कारोबार होता है सर, रहवासी इलाका है, वहाँ बगल में हमारे रहते हैं भाई, तो इनके द्वारा शिकायत किया गया थाने में, सुपेला थाने में, लेकिन वहाँ से कार्रवाई नहीं हो रहा सर। तो हमको ये चाहिए कि कम से कम रहवासी जगह से हटा के कहीं दूसरे जगह कबाड़ी ले जाए। वहाँ क्या आए दिन गाड़ियाँ रोड में खड़ी होती है, ऊपर से बैठ के दारू वारू पीते हैं, परिवार सब हमारा वहाँ रहता है, भाई का भी रहता है, तो लोग क्या बहुत ज़्यादा परेशान हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। हाँ, कई बार गाली गलौज होता है किसी को, कोई बोलने से आपको असामाजिक तत्व बहुत ज़्यादा हुड़दंग करते हैं, शराब वराब पीते हैं, बकायदा गाली वाली देते हैं, तो बोलने वाला कोई नहीं है। धीरज कबाड़ी के नाम से है, शास्त्री चौक लोहारपारा वार्ड नंबर 8 थाना सुपेला के पीछे एक बड़ा कबाड़ी है, बड़ा कबाड़ी है, वहाँ पर तोड़ फोड़ ज़्यादा होता है और शोर शराबा होता है, रोड पूरा जाम कर देते हैं और मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है थाने के द्वारा। आज से 3 साल पहले मैंने कबाड़ में आवेदन लगाया था तो मेरे को पुलिस के द्वारा डराया जाता है, धमकाया जाता है, एसपी सर को भी दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो बोलते हैं यहाँ से भाग जाओ, घर को हमें बेच दो और भाग जाओ यहाँ से। तो सर बताएं कि मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं TI सर को बोला, भावेश सर को, तो उन्होंने कहा कि मारे जाओगे, तो मैंने बोला कि सर किससे मारे जाऊंगा, अगर मारा जाऊंगा तो किससे मारा जाऊंगा, आप नाम बताएं या मैं बताता हूं आपको। फिर वो चुप हो गए। चुप होने के बाद फिर मारपीट मेरे साथ किया गया, उस कबाड़ी के द्वारा मेरे बच्चे लोग के साथ मारपीट किया गया और बहुत ज़्यादा चोट आया था। मैं MBBS डॉक्टर से मैंने इलाज करवाया अपने बच्चे को। अभी थाना प्रभारी हैं दुर्गेश करके हैं, कोई दुर्गेश करके हैं, तो मैंने उनको भी फ़ोन के द्वारा सूचना दिया। उन्होंने कहा कि मैं कबाड़ी को बंद करवा दूं क्या तुम्हारे कहने से। तो मैं बोला सर मैंने आपको कबाड़ी बंद करने के लिए नहीं बोला, अगर मैं चाहूँगा तो आधा थाना खाली हो जाएगा, अगर SP सर अगर चाहें तो आधा थाना खाली हो जाएगा, कि थाने में कम और कबाड़ी में ज़्यादा दिखते हैं पुलिस वाले, क्यों कारण क्यों? मैं चाहता हूं कि कबाड़ी वहां से हटाया जाए SP सर के द्वारा, इसलिए मैंने आज ज्ञापन। दारू भी पीते हैं, सब फुटेज है मेरे पास। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।